गाइस, क्या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है और आप परेशान हैं अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपनी बहन से, क्योंकि वो बार बार आपका क्रेडिट कार्ड मांगकर आपके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। बोलते हैं आपको कि हम इसमें से 10,000 रुपये यूज़ करेंगे और कर लेते हैं 20,000 रुपये यूज़। अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपनी मर्जी से अपने भाई को, अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी एक कार्ड शेयर कीजिएगा। उसमें आप जो है अपनी मर्जी से लिमिट दीजिएगा, फिर जो आपके दोस्त हैं वो उतनी ही लिमिट यूज़ कर पाएंगे जितनी आप उनको देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा ये कार्ड है, कौन सी कंपनी है जिसको यूज़ करके आप अपनी मर्जी से एक कार्ड शेयर कर सकते हैं उनको, तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस दीपावली पर ये आपके काम आने वाला है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें, और हाँ गाइस, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता है। आपको क्या करना है गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है एक्शेयर कार्ड पे सॉप यूपीआई। ठीक है, यानी गाइस ये जो एप्लीकेशन है एक ऐसी ट्रस्टेड कंपनी है जहां पर आप एक अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी मर्जी चाहे उतनी लिमिट दे सकते हैं और उस कार्ड को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फादर को, ठीक है, अपनी सिस्टर मदर, किसी को भी शेयर कर सकते हैं जितनी लिमिट आप चाहेंगे उतनी देकर, उससे फालतू वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे आप यहाँ पर कार्ड जनरेट कर सकते हैं, क्या है ये कंपनी, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन करना है। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, मैंने पहले से कर रखा, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद गाइज जो इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ ऐसा जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ऐसा पेज दिखाई देगा। उससे पहले आपको यहां पर आपको मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल देने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ट्रस्टेड कंपनी है, टेंशन फ्री होकर आप यहां पर जो है इसको यूज कर सकते हैं। अभी देखें गाइज, अगर स्क्रीन पर आप यहां पर आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा है, यह है वीजा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और यहां पर एक शेयर का टैब दिखाई दे रहा है, यानी मैंने अपना एक कार्ड यहां पर ऑलरेडी बना रखा है और मैं इसको यूज करता हूं। मेरे से कोई अगर क्रेडिट कार्ड मांगता है ना, तो मैं उसको ये कार्ड देता हूँ। मान लीजिए बोल रहा है कि मुझे 2,000 की शॉपिंग करनी है, तो मैं उसको ये क्रेडिट कार्ड देता हूँ, इसमें से जितना मर्जी चाहिए यूज़ कर ले भाई, तेरी मर्जी है, 2,000 से ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आपको ब्लैंक दिखाई देगा, प्लस का टैब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, और जो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद एक कार्ड आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको अपनी मर्जी से थीम चूज करनी है। ठीक है, अपने कार्ड की आप कोई भी थीम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, देखिए कितने सारे थीम यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड की थीम आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो कार्ड है ये रेडी है, लेकिन अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा गाइस, ठीक है, आपको यहाँ पर शेयर कार्ड पर क्लिक करना होगा। जब आप शेयर कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो शेयर कार्ड पर क्लिक करने के बाद गाइस अभी आपको यहां पर जो है चूज़ करना है कि आप ये कार्ड किसको भेजना चाहते हैं। ठीक है, अपने डैड को, अपनी मॉम को, हस्बैंड को, वाइफ को, सन, डॉटर, किसको भेजना चाहते हैं वो आपको यहां पर चूज़ करना होगा। हम डैड कर देते हैं, और यहां पर अभी आपको ये चूज़ करना है कि आप उनको कितनी लिमिट यूज़ कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कार्ड की लिमिट है 1,00,000 रुपये। ठीक है, और आपने अपना कार्ड ही डायरेक्टली उनको दे दिया, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई भी हो, और वो बोले कि हम इसमें 10,000 रुपये निकालेंगे। लेकिन भाई जब हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाता है ना, तो हम शॉपिंग कितने करते हैं हमें भी नहीं पता होता है। पता चला उन्होंने 50,000 रुपये यूज़ कर लिए, अब 50,000 रुपये कब वो देगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिमिट दीजिएगा कि भाई 5,000 रुपये ही यूज़ कर सकते, इससे फालतू नहीं कर सकते। तो हम अगर 5,000 रुपये करें, ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर देखिए 15,000 रुपये तक डाल सकते हैं, मैनुअली भी डाल सकते हैं। गेट शेयर लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, और जब आप गेट शेयर लिंक पे क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद जो है आपको इस कार्ड को जो है शेयर करना होगा अपने दोस्तों को। ठीक है, लेकिन गाइस देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी आपका जो दोस्त है इस कार्ड को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने इस कार्ड को भी शेयर करके आपको दिखा दिया है। लेकिन गाइस पहले आपको यहाँ पर अपने कार्ड को भी लिंक करना होगा अपने इस कार्ड के साथ में, तभी वो यूज़ कर पाएगा। ठीक है, लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कार्ड पर टैप करना होगा। ठीक है गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर करके दिखा दिया। ठीक है, लेकिन अभी वो जो है इस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस कार्ड के अंदर फंडिंग नहीं हुई है। अभी आपको क्या करना है, एड फंडिंग पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और जब आप एड फंडिंग पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर अपना जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसके नंबर यहां पर डालने होंगे, एक्सपायर डेट, सीवी नंबर, ठीक है, क्या नाम चाहते हैं कार्ड पर वो डालना होगा, और आपका फुल नाम जो भी होगा, और कार्ड कंट्री कौन सी है वो आपको बताना होगा, और ये जो इनेबल ऑथराइजेशन है इसको आपको एक्टिव करना होगा। अगर आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे तो भी यूज नहीं कर सकता है सामने वाला,
आपके इस क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है भाई, इनेबल करना है पहले अपनी ट्रांजैक्शन को अप्रूवल के लिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप ना कार्ड आप अटैच कर देंगे, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा अटैच करने के बाद में गाइस आपको कुछ ऐसा क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया है, इसके साथ में अगर मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो कार्ड है इसके साथ में लिंक है वीज़ा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और इतना नहीं गाइज, आप अपने कार्ड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं मानना है यहाँ पर ऐड करने का कार्ड को तो आप इसको डिलीट कर दीजिए शॉपिंग करने के बाद में। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर शेयर करना होगा, जब आपका कार्ड बन जाएगा ना फिर आपको दोबारा से शेयर करना होगा यहाँ पर। ठीक है, जब शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद फिर से वही चूज़ करना है कि इसको भेजना चाहते हैं, कितनी अमाउंट भेजना चाहते हैं कार्ड के अंदर। फंडिंग करने के बाद में उसको आपको भेजना होगा। ठीक है, और कैश शेयर लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कार्ड शेयर लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके लिए लिंक जनरेट हो जाएगा, शेयर नाउ पर क्लिक करना है, फिर आपने उसको व्हाट्सएप कर देना है। तो जब उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में ओपन करेगा तो ये वाली एप्लीकेशन एक्सेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी होगी, कार्ड वहाँ पर दिखाई देगा, कार्ड के नंबर उनको देखने हैं और शॉपिंग करनी है। ठीक है ना, नहीं गाइज, यहाँ पर आपको पे लेटर लिमिट ही मिलेगी आने वाले टाइम में, देख सकते हैं यहाँ पर पे लेटर भी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम मिल जाएंगे। स्प्लिट योर बिल, 4 इंटरेस्ट फ्री पेमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ये अभी कमिंग सून है। पे लेटर भी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में मिल जाएगा, जो मेरे भाई बोलते हैं पे लेटर भी यहाँ पर मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए एक्सेयर एप्लीकेशन, अगर आप भी परेशान हैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, किसी परेशान हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड को नहीं देना चाहते उनको, तो आप यहाँ से एक अपनी मर्जी से कार्ड बनाकर उनको दे दीजिए, उस कार्ड को करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ समझना चाहते हैं पूछना चाहते हैं कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यहां पर आप एक कार्ड नहीं जितने मर्जी चाहे उतने कार्ड बना सकते हैं अलग अलग, देख सकते हैं यहां पर मैंने 3 कार्ड बना रखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।